स्वागत है आपका पवन मान एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो हमने देखे पॉइंट्स, तो उसी का अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जो भी चेंजेस होते हैं पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब सिंपली मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, सब लोगों ने बाइक देखा है, जैसे आप हैंडल को मोशन देते हो, ठीक है, उसको जैसे टर्न करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका वेलोसिटी जो है बाइक का वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो, दैट चेंजेस, वो जो जितने टाइम में, मतलब 5 सेकेंड में अगर आप दूरी तक जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, बाइक को एक्सेलरेट करने के बाद में उसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है। तो एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये कम भी कर सकते हैं, मतलब जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी जो है या फिर स्पीड जो है वो कम होता है, दैट इज ऑल्सो योर एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. Acceleration के भी two types हैं। पहले ये देख लेते हैं। The velocity of object changes during certain time period. मतलब कुछ ना कुछ time period जो है ना आपका specify आप time period कर दो, तो उसके अंदर अगर आपकी velocity change होती है बार बार, तो उसको आप कहेंगे accelerated motion. उस motion को आप एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये टू टाइप्स के होते हैं एक्सेलरेशन, तो कौन से वो देखते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी का रखा था, उसी टाइप से हमारे एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स है। तो पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने वेलोसिटी का देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, मतलब पहले आप 5 मीटर पर सेकेंड जा रहे थे, फिर अगली थोड़ी देर में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले में 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपका स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, स्पेसिफाई आप टाइम पीरियड को पहले ही कर चुके हो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेरा 10 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, कुछ भी आप ले सकते हो। एक स्टेडी टाइम है, 10 सेकंड के 3-4 स्लॉट आपने बनाए, और स्पीड आप देख रहे हो एक्सेलरेशन जब एक जैसे बढ़ता है, मतलब इक्वल अमाउंट में बढ़ता है। देखिए, ये याद रखिए कि जब आपका एक्सेलरेशन तभी होगा जब आपका वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो ये क्या होगा, नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, जब तक कि आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक वो एक्सेलरेटेड बॉडी कहीं नहीं जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी पर यूनिट टाइम, देन इट इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। तो अगला है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखते हैं। इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अनइक्वल अमाउंट में वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मेरी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर चलने के बाद में बाइक चला चला के मेरे हाथ दर्द करने लग गए, एकदम कंटिन्यूसली मैं 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मैं चल रही हूँ, फिर उसके बाद में मेरे हाथ दर्द करने लग गए, तो मैंने क्या किया, मेरा जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस कर दिया। वेलोसिटी रिड्यूस करके मैंने कितना लाया, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में मुझे जब बेटर फील होने लगा, मैंने क्या किया, वापस मेरी जो वेलोसिटी है वो 2 से मैंने कम की थी, मतलब 10 से मैंने 8 पे आई थी, और मैंने सीधा क्या किया, 14 मीटर पर सेकेंड पे अगर ट्रांसफर कर दी। देखिए, यहाँ पर लिख के देते हैं, पहले कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर मैंने क्या किया, उसको रिड्यूस करके 8 मीटर पर सेकेंड पे ला दिया। उसके बाद में मेरा वेलोसिटी अगर मैं डायरेक्टली 14 मीटर पर सेकेंड, तो अभी तीनों नंबर्स देखिए, इंटररिलेशन है क्या तीनों के बीच में, नहीं है। यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहे। पहले वाले एग्जांपल में कैसा एग्जांपल हमने देखा था कि पहले हमारी
10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले में 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब पांच पांच से आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही थी। यहाँ पर अलग ये तो नॉन यूनिफॉर्म जो होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेलोसिटी में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब एक जैसा नहीं है। अदर लैंग्वेज में एक जैसा नहीं है एक्सेलरेशन, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दोस्तों वेलोसिटी की भी जैसे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वही देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अभी ये इंक्रीमेंट का सिंबल मैं क्या करती हूँ, वी फॉर वेलोसिटी। जब ये इंक्रीज होगा तब एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। जब आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी, देन योर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हम इसको लेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपका वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होते जा रहा है, अभी सडनली अगर आपके सामने स्पीड ब्रेकर्स का रेंज है, मतलब थोड़ी देर में चलो, थोड़ी दूरी के बाद में स्पीड ब्रेकर, थोड़ी देर और अच्छा सा क्लीन सा रोड है, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद में और थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर, तो ऐसे करते हुए क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका जो है वो स्पीड डिक्रीज होता है बढ़ता है, स्पीड डिक्रीज होता है बढ़ता है। तो जब ये स्पीड आपका कम होता है, वेलोसिटी आपका जब कम होता है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब जब वेलोसिटी जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, ये देखो नीचे की तरफ एरो है, डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के शॉर्ट फॉर्म है, लिखने में आसान जाता है इसलिए ऐसे लिखा है। अगला देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो एग्जांपल है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी इसका एग्जांपल आप बताइए मुझे, मतलब पहले मैं बना देती हूँ आपको। आपने घड़ी देखी सबने कैसे चलती है, उसका टाइम कभी आगे पीछे, मतलब घड़ी के कांटों का जो स्पीड होता है, देखिए आवर आवर क्लॉक जो है आपकी, आवर का जो हैंड है, ठीक है, तो उसका स्पीड जो है वो वैरी होता है क्या, वो अपने स्पीड से चलेगा, अपनी वेलोसिटी से चलेगा तो ही वो अपना राइट टाइम दिखा पाएगा। तो उनका जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है सबका, मतलब मिनट हैंड का भी, आवर हैंड का भी और सेकेंड हैंड का भी, तो ये तीनों का जो है अपना अपना वेलोसिटी होता है, तो वो वेलोसिटी चेंज करते हैं क्या, अगर वो वेलोसिटी चेंज करेंगे तो टाइम से पहले ही अपनी जगह पहुंच जाएंगे या फिर पीछे से पहुंचेंगे। तो कब होती है कंडीशन, जब आपके क्लॉक के सेल खत्म होने आते हैं तभी होता है, लेकिन अदरवाइज क्लॉक की जो हैंड्स है उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, एकदम यूनिफॉर्मली वो चलते रहते हैं। या फिर पेंडुलम होता है, क्लॉक का पेंडुलम, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल इक्वल टू जीरो। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आवर डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये याद कर लेना है डिफरेंस। अगला देखते हैं पॉइंट, अगले पॉइंट में आप देखेंगे फॉर्मूला, देखते हैं मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो रिलेटिव फॉर्मूला है आपके वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। तो ये फॉर्मूला है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू। अभी इनिशियल, ये देखो यहाँ पे इनिशियल वर्ड आया है यू, इनिशियल मतलब शुरुआत की वेलोसिटी। अगर आप कहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज अगर मोशन स्टार्ट करती है तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से उसका जो वेलोसिटी आप लेते हैं तो दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू की स्टार्टिंग की वेलोसिटी, दैट इज योर यू। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी वी। अभी फैन देखा है सबने, स्टार्ट करते से वो फुल स्पीड पे आ जाता है क्या,
नहीं, उसको थोड़ा वक्त लगता है फाइनल या फिर फुल स्पीड पे आने के लिए, या फिर आपने जो भी उसको दूसरी सेकेंड थर्ड जो भी स्पीड पे सेट किया है उसको वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका शुभ का स्पीड क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट करता है, फिर 0 से बढ़ते 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 वो अपनी फाइनल स्पीड तक पहुंचता है। तो ऐसे ही यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज योर वी इन टाइम पीरियड टी। तो टाइम टी इज योर सेकेंड्स, टाइम सेकेंड में देखे हम ड्यू टू एक्सेलरेशन ए, अब एक्सेलरेशन स्मॉल ऐसे डिनोट किया है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करना है। थ्री इक्वेशंस, तो ये आगे भी एक इक्वेशन है हमारी अगली स्लाइड में, पहले ये दोनों देखते हैं। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टू टाइम। तो ये रिलेशन किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन है, ये देखिए यहाँ पे v और टाइम दोनों के बीच का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दे हैव गिवन। दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at2, यू टी मीन्स योर इनिशियल स्पीड वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। अगला फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, अगले फॉर्मूले से हमने लिस्ट बना ली है, वही लिस्ट पहले देख लेते हैं। ये पहला वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at2। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन ये याद करना, नहीं तो न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अगला फॉर्मूला है लास्ट वन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इसके साथ अभी ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप नोटबुक लेके बैठा कीजिए, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल जब हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगला हम न्यूमेरिकल ही सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक से लिया है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड्स बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी गिवन लिख लेंगे पहले, आप भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें दोस्तों तो एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए। पहले क्या करेंगे, हम गिवेन डेटा लिख लेंगे, जो जो हमको मिला है वो पहले लिख लेते हैं। क्या मिला है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है हमको, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर। उसके बाद में टाइम मिला है हमको, ये देखिए 25 सेकंड्स टाइम आपको दिया है, ओके। रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन मतलब वो सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल कर रहा है, उसने फ्रॉम पॉइंट ए अगर स्टार्ट किया है एथलेट ने, तो रिटर्न होके 400 मीटर घूम के ए पॉइंट पे ही रिटर्न आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसका, मतलब स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट एक ही है, ए से स्टार्ट करके ए पे ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट तो एक ही है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 400 अपॉन टाइम इज 25। तो अभी टेबल्स को लर्न करे होंगे आपने, तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 25 16 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया भाई, तो ये यूनिट हमने पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दें, डिस्टेंस का यूनिट है आपका मीटर्स में, टाइम का यूनिट है सेकेंड्स में। तो मीटर
पर सेकेंड पर एज इट इज इसको कैरी कर लिया तो ये आपका हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो है और टाइम हमारा 25 है। जीरो को किसी भी चीज से, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं, बस स्पीड है। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है हमारा, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 60 सेकेंड। ये देखिए आपको टाइम मिल गया विथ एन एक्सेलरेशन, ये यहाँ पर ए मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ 6.4 मीटर पर सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब उड़ने से पहले मुझे थोड़ी देर चलता है प्लेन रनवे पे और उसके बाद में टेक ऑफ करता है, तो वो दिया है टैक्सीज मीन्स थोड़ी देर वो रनवे पे रन करता है, दैट इज योर टैक्सीज 60 सेकेंड के लिए, वो मतलब एक मिनट के लिए क्या करता है रनवे पे चलेगा, फिर टेक ऑफ करने से पहले उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे, हमको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा तो इसमें जो हमारा गिवन डेटा है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड कितना मतलब उसने कवर किया। तो पहले तो देखते हैं जब आप प्लेन स्टार्ट करोगे मतलब वो टैक्सीज करना स्टार्ट करेगा तो रेस्ट में रहेगा, पहले शुरुआत में एकदम शुरू में स्टेडी पोजीशन में रहेगा, फिर वो रनवे पे रन करना स्टार्ट करेगा और फिर टेक ऑफ करेगा। तो शुरू में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया सबको कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी मतलब जो उसने चलना भी स्टार्ट नहीं किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर आपको u पता है, t पता है, a भी पता है तो s का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू तो अपने आप ही 0 हो जाएगा ना, इसमें 0 में मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 AT 6.4, a की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पर, और t स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अभी 2 से मैंने क्या किया, सीधे 6.4 को डिवाइड कर लिया, मतलब कितना हुआ 3.2 इंटू 3600, ठीक है, 6 6 36 और 2 0 एज इट इज, आपका आंसर हो जाएगा 11,520 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, A kangaroo can jump 2.5 meter vertically. What must be the initial velocity of kangaroo? तो अभी हमको जो जो चीजें दी है वो पहले देख लेते हैं। Kangaroo क्या कर रहा है आपका, vertically jump कर रहा है, means ऐसे jump कर रहा है, against gravity वो jump कर रहा है, gravity के against, तो कितना है jump कर रहा है 2.5 meter, तो ये आपका displacement हो गया। Kangaroo क्या कर रहा है, jump कर रहा है मतलब उसका displacement हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैंगरू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू पूछा है आपको, यू इज व्हाट, तो यहाँ पे देखते हैं जब आप एक बॉल के साथ में इमेजिन करते हैं, सपोज आपने एक बॉल लिया ऊपर की तरफ जब आप उसको फेंकते हैं तो कुछ वेलोसिटी से मतलब आप क्या करते हो खुद के हाथों से उसको वेलोसिटी देते हो, तो उसका यू जो है कुछ ना कुछ होगा, समथिंग 2 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी होगा, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद क्या करता है स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जाता है और फिर वहां पर रुक जाता है और फिर वहां से नीचे की तरफ वापस आपकी तरफ आता है, तो जब वो ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब v जो है वो 0 हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद में
अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी की वजह से होगा, मतलब ए मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके ऊपर एक्ट होगा। तो ये जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट होने की वजह से, मतलब ऊपर की तरफ अगर जाता है ग्रेविटी, जब ऊपर की तरफ आप एक्ट करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, जब ऊपर की तरफ कोई चीज जाती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव हम पकड़ते हैं। नीचे की तरफ अगर वो किसी कुएं में अगर गिरता बॉल, तो या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर उसको फेंकते तो हम ये पॉजिटिव लेते वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, कैंगरू ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, इसलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको v पता है, a पता है और s भी पता है, तो फॉर्मूला लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू आपको पता है 0, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस, माइनस साइन भूलना नहीं है यहाँ पे, 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट है आपका 2.5, तो ये यू क्या करेगा इधर आ जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अभी यू इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, या फिर इसको पूरी टर्म, ये देखो ये निगेटिव होने की वजह से पूरी जो टर्म है आपकी वो निगेटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये टर्म जो है यहाँ पर माइनस कर देगा, तो ये इधर लाते वक्त अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी 49, तो इसको अंडर रूट में लेते हैं, 49 किसका स्क्वायर है भाई, 49 है आपका स्क्वायर ऑफ 7, तो आपका यू हो गया 7 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, मतलब आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 7 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाते जाते 0 हो गया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स आपको घुमा के पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद कर लेना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला और आखिरी एग्जाम्पल, तो अगले फॉर्मूला में हमको अगले एग्जाम्पल में क्या दिया है, मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, moves with uniform acceleration. If it attains the velocity of 20 meters per second, v is equal to 20 meters per second, आपकी final velocity, in 5 second, time period भी दिया है, 5 second, calculate the acceleration and distance traveled in that time. तो ये इससे हमको क्या क्या निकालना है, acceleration निकालना है, तो पहला formula use करते हैं, v is equal to u प्लस 80, तो हमको ये वाली टर्म पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एक्सेलरेशन इजीली निकल जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला हम बनाते हैं साथ में, अभी ये u देखो प्लस है यहाँ पर, इधर जाते वक्त हो जाएगा माइनस, मतलब v माइनस u, और ये जो t है ये मल्टीप्लाई है a के साथ में, तो ये जाते वक्त हो गया डिवाइड, वैल्यू करते प्लेस, v कितना है 20 माइनस u 0 और टाइम आपका 5 सेकेंड, तो आंसर आ गया आपका 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला आंसर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पता है, तो अभी डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, मतलब s निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हो, वैल्यू प्लेस करते हैं, u क्या है हमारा 0, टाइम कितना भी आप करोगे तो 0 ही आएगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा आंसर, इसलिए सीधा प्लस की तरफ जाते हैं, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 t स्क्वायर, तो t मतलब 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो आएगा आंसर आपका 2 × 2 × 4 2 × 25 विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर,
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज के एग्जांपल्स पसंद आए होंगे और आपने समझे भी होंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और उसके एक्चुअल जो लॉज है, न्यूटन्स लॉ की जो स्टेटमेंट्स है, वो हम अगली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।